हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग बताऊंगा नेचुरल डिजास्टर के ऊपर। आप जानते हैं कि नेचुरल डिजास्टर जो है, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, फायर है, फॉरेस्ट फायर है, या इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो नेचुरल डिजास्टर होती हैं, उसके ऊपर जो है आपको अगर कोई भी पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए आता है तो हमारे सिर्फ एक फॉर्मेट से आप जो है इन सभी के ऊपर लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ जो है उस का जो टॉपिक का नाम दिया है वो आपको वो लिखना है और आपको इस जगह इस पूरे फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देना है और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल के पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि हम जो फॉर्मेट प्रोवाइड कराते हैं वो अच्छे नंबर्स आपको दिलाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, हम उसका बताते हैं नेचुरल डिजास्टर के बारे में कि अ नेचुरल डिजास्टर इज एन अनफोर्सीन अकरेंस। ये अनफोर्सीन यानी अकरेंस है, यानी कि ऐसी घटना है जिसके बारे में पहले से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऑफ एन इवेंट दैट कॉजेज हार्म टू सोसाइटी, और ये पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। अब से दैट कि आपको लिखना है फ्लड पे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्लड। अगर अर्थक्वेक लिखना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे अर्थक्वेक। अगर सुनामी लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सुनामी। इज वन ऑफ सच इवेंट, तो ये क्या है, ये भी जैसे फ्लड है तो इन जो है नेचुरल डिजास्टर्स में से एक है। दैट कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को और लाइफ का नुकसान होता है। द मेन कॉज ऑफ, अब यहां जैसे हमने लिखा था फ्लड तो यहां भी हम लिखेंगे फ्लड। द मेन कॉज ऑफ फ्लड्स, यहां फ्लड्स पुडल कर देंगे। फ्लड्स आर नॉन स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस अंडर अर्थ एंड ऑन द सर्फेस। तो इसका हम कारण भी साथ के साथ बता रहे हैं कि इसका कारण क्या है, जिसमें हमने कहा है कि ये जो है इसका कारण है नॉन स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो इंसान धरती के अंदर और धरती के ऊपर जो है लगातार इस्तेमाल करता रहता है। आगे कहते हैं, इफ वी कैन नॉट स्टॉप दीज नेचुरल डिजास्टर्स, कि अगर हम इन नेचुरल डिजास्टर्स को रोक नहीं सकते हैं, वी नीड टू स्टॉप प्लेइंग विथ नेचर, तो हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद कर देना चाहिए। एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट द नेचुरल ऑर्डर ऑफ अर्थ, और हमें जो नेचर का नेचुरल ऑर्डर है अर्थ का, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अर्थ में डिस्टर्बेंस की वजह से ही जो है इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड NDRF। अब ये तो हमने बताया कि कारण क्या है और हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा हम तीसरे में बताते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसमें हम लिखेंगे गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड NDRF टू रिएक्ट ड्यूरिंग डिजास्टर एंड प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल। तो गवर्नमेंट ने जो है NDRF एक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की है, जो फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा में जो है मदद करती है, लोगों को राहत पहुँचाने का काम करती है। तो आप ये जो है पूरा फॉर्मेट इस तरह से आप अगर आप लिखते हैं, सिर्फ आपने देखा कि सिर्फ दो जगह आपको ये जो है नाम लिखने हैं और कोई भी नेचुरल डिजास्टर है वो आपका तैयार हो गया और आपको अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। तो आप इसको जो है कहीं भी यूज़ कीजिए और अच्छे नंबर लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियो।